आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। दो आरोपियों का अभी जुलूस निकाला है, किस लिए निकाला और क्या पूरा मामला बताएं विस्तार से। जिनमें से एक सद्दाम पिता भुरु और इनोस निवासी खारी बावड़ी के हैं, इन पे एक दर्जन संगीन मामले हैं, गंभीर अपराध जिनको बोलते हैं। ये दंगे में भी रहे हैं, जो पूर्व में देवास शहर में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था बरसोला में, उसमें भी आरोपी रहे हैं। इन पे आज रासुका की कार्रवाई की गई है। और दूसरा आरोपी है गोलू उर्फ राहुल पिता दशरथ खींची जाति खटीक, ये भवानी सागर का है, थाना नाहर दरवाजा का सूचीबद्ध गुंडा है। इस पे दो दर्जन गंभीर मामले हैं, इस पर भी कोतवाली पुलिस द्वारा रासुका की कार्रवाई की गई है। कुछ इनके द्वारा कृत्य किया गया था, अभी लगातार ऐसी भी सोशल मीडिया में और ऐसी भी अफवाहें या जो भी सही घटना हो सकती है ऐसी चल रही थी, कहीं इनने सद्दाम ने गोली चलाई फायर किया, लेकिन कोई फरियादी सामने नहीं आया, इसलिए वो तो कायम ही नहीं हुई है हवाई फायर वाली। तो पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर सिद्धयाल सिंह के निर्देश में रासुका की कार्रवाई की है आज, और उनको केंद्रीय जेल भैरवगढ़ उज्जैन भेजा गया है। कुल कितने आरोपी हैं इसमें? उसमें अलग अलग है ना, दो केस हैं, एक राहुल और गोलू और दूसरा सत्तम, एक केस दो केस हैं अलग अलग। ठीक है।